हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपके पास कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में जब भी आप पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं तो आपको डबल ड्राइव शो हो रही है, तो उसकी प्रॉब्लम को आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर को मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस पीसी में आपको यहाँ पर डबल ड्राइव जो है शो हो जाती है जब भी आप पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं फाइल एक्सप्लोरर को जो है क्लोज़ कर लेता हूँ। आपको जो है रन कमांड ओपन करना है। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आर प्रेस कीजिए, रन कमांड ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर कर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर ये जो रजिस्ट्री है, आपको ये वाला टेक्स्ट जो है आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है इस तरीके से। अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, इस तरीके से आपको पेस्ट कर देना है। और ये टेक्स्ट जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली इसको कॉपी कर कर भी पेस्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फोल्डर है, आपको इसको सेलेक्ट कर कर रीनेम कर देना है। अभी यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर कर रीनेम पर क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको लास्ट में जो है डॉट ओल्ड इस तरीके से आपको टाइप कर देना है। फिर आपको इंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर इस विंडो को क्लोज कीजिए। फिर आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास भी पेन ड्राइव की डुअल ड्राइव शो हो रही है आपके पीसी में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।